नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा आज आपके लिए जो कविता पढ़ने वाली हूँ उसका शीर्षक है अब तक जिए कहाँ हैं हम। हम लड़कियाँ अक्सर ये सोचती हैं कि सारी ईश्वर ने सारी परेशानियाँ सारे सेक्रीफाइसेस सब हमारी झोली में ही डाल दी हैं। लड़कों को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनकी लाइफ बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें भी बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने परिवार के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। तो आज उन्हीं के लिए एक कविता, अब तक जिए कहाँ हैं हम। बचपन निकला जवानी के जिक्र में, जवानी निकली बुढ़ापे की फिक्र में। बचपन निकला जवानी के जिक्र में, जवानी निकली बुढ़ापे की फिक्र में। इसी जिक्र और फिक्र में कभी बेफिक्र ना हुए हम, अब तक जिए कहाँ हैं हम। बचपन में तकल्लुफ कोई खास न था, कोई चिंता कोई डर पास न था। यूं ही घूमते फिरते खेलते मजे ले रही थी जिंदगी, भविष्य की कठिनाइयों का एहसास न था। फिर एक दिन बड़ी ही गंभीरता से माँ ने समझाया, पापा ने डराया, खेलने कूदने से नहीं पलते हैं घर, भविष्य का भी कुछ सोचो, मत रहो इतने बेफिकर। मस्त मौला बने फिरते हो, न पढ़ते हो न लिखते हो, कक्षा में कभी प्रथम आए हो, सिर्फ 70% की चाल पर ही अटके हो, कभी 80-90% भी लाए हो। देखो जरा शर्मा जी की बेटी को, सब दिन पढ़ती है, हमेशा क्लास टॉप करती है, नंबर कम पड़ जाए देने के लिए इतना अच्छा वो लिखती है, कहती है डॉक्टर बनेगी, माँ बाप का नाम रोशन करेगी, और तुम क्या यूं ही अपने आवारा दोस्तों के साथ सड़कों पे ठोकर मारते फिरोगे या अपने भविष्य की भी सुध लोगे। मैंने उनका कहा सब कहा सुना अनसुना कर दिया, फिर एक दिन पता चला उन्होंने मेरा घर ही बदल दिया। उसके बाद पूरा लड़कपन हॉस्टल की चार दीवारी में रो रो के पढ़ पढ़ के गुजारा, घर और दोस्तों के साथ ही मेरा बचपन भी मुझे छोड़ गया बेसहारा। बस तभी से भविष्य को सुनहरा बनाने में जुट गए हम, लेकिन अब तक जिए कहाँ हैं हम। पीटी कर ली, अच्छी जॉब भी मिल गई, पर पापा मेरे अब भी असंतुष्ट थे। उनका आईआईटी का सपना जो बिखर गया था, बेचारे किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। कदम कदम पर शर्मा जी की टॉपर डॉक्टर बेटी अब भी साथ थी। मैंने सोचा चलो छोड़ो जाने दो, पर ये तो अभी शुरुआत थी। हालांकि शर्मा जी की बेटी से कोई मुलाकात नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं थी। हॉस्टल का बोझिल समय याद करके सोचा, अब ये आजादी फिर से जी लूं, नाचूं झूमूं घूमूं जो मन आए वो करूं, दोस्ती का जाम फिर एक बार पी लूं। पर नहीं, पहले नौकरी, फिर गाड़ी, फिर घर और फिर शादी, पत्नी बच्चे माता पिता की जिम्मेदारी। उफ, इस चक्रव्यूह ने मुझे खुद में ऐसा लपेटा कि सब जीना बीना छोड़ कोलू के बैल बन गए हम, अब तक जिए कहाँ हैं हम। सब शौक भूल गए यार, दोस्त पीछे रह गए, मौज मस्ती सब हवा हो गई, उम्र के जाने कितने पड़ाव वक्त के दरिया में बह गए। सबकी खुशियों की परवाह करते करते, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते रखते, अपने शौक और मन से हार मान गए हम, अब तक जिए कहाँ हैं हम। जीवन के 60 बसंत दौड़ धूप चिंता फिकर में निकल गए, इसी को सत्य मान हम भी उसी सांचे में ढल गए। जिंदगी के इस अंतिम पड़ाव पर जब दिमाग खाली और तन फुर्सत में है, तो लोग कहते हैं यही तो जीने के दिन हैं, एंजॉय करो अपनी लाइफ जियो। पर क्या वाकई ये वो लक्ष्य है जिसे पाने की खातिर सब जीना भुलाए बैठे हैं? अपने मन और शौक, अपने वक्त की परवाह न करके बस खुद को पैसे छापने की मशीन बनाए बैठे हैं। क्या उम्र का कोई भी दौर किसी अन्य दौर में वापस आ सकता है? क्या बचपन की स्वच्छंदता, जवानी का जोश बुढ़ापे में जिया जा सकता है? माना जीने के लिए कमाना जरूरी है और कमाने के लिए शिक्षा जरूरी है, पर क्या इस सब के लिए मन को मारना जरूरी है? इंसान सिर्फ इंसान रहकर भी सब कुछ पा सकता है, तो फिर क्या उसका मशीन बनना जरूरी है? अब इस अकेले और नीरस जीवन में यही सोचा करते हैं हम कि अब तक जिए कहाँ हैं हम, कि अब तक जिए कहाँ हैं।